कुंभ राशि, आपका दिल आज फटने वाला है, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 22 सितंबर की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, विस्तार से आज की वीडियो में हर एक बात चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी तरफ से कोई उचित सलाह लेना है या फिर अपनी कुंडली बनवानी है, तो आप हमारी इस वीडियो में जो नंबर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, उसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेगा। कल के दिन हमने एक कमेंट पढ़ा था कि वहाँ पर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, यानी कि जो हमारे वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आते हैं, उस कमेंट में जो नंबर दिया गया है, उस नंबर पर पैसा बिल्कुल भी मत भेजिएगा। इस वीडियो में जो नंबर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिख रहा है, उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा। कमेंट में जो भी नंबर मिले, उस नंबर पर बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। तो चलिए बिना गवाए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आर्थिक हानि अभी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, विचार करने और मूल्यांकन में वक्त बिताएंगे। खाली समय निकालकर मन की शांति पाना अभी सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। सफलता और आकर्षण से भरे जीवन के इस चरण को आप खुलकर जिएंगे। धन की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने इस दिन को और सफल बनाने के लिए आकर्षण और व्यवहार कुशलता का प्रयोग करेगा। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि आपकी यह निर्णय आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही सक्रिय और लोगों से मेलजोल बढ़ाने वाला दिन है, तो ऐसे में आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों से मिलेगा, अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते जाएगा। कई लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो सकता है, बेहतर होगा खानपान पर ध्यान दीजिए। आप अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, जिससे उसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं, वह अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। कारोबारियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा। लंबे समय बाद आपको कुछ अच्छा फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अचानक काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बेहद सुखद रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। घर के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता देखने को मिलेगी। यदि कुछ समय से जीवनसाथी के साथ आपकी अनबन चल रही है, तो अपने प्रिय को मनाने के लिए दिन अच्छा साबित होगा। इस दिन आप अपने प्रिय के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, कहीं डिनर पर ले जा सकते हैं या फिर किसी एकांत जगह पर समय बिता सकते हैं, जिससे कि आपके बीच में जो भी अनबन चल रही है वह कम हो जाए और आपके बीच की दूरियां भी कम हो जाए। हो सकता है आपके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाए। पैसों के मामले में दिन थोड़ा बहुत खर्चीला साबित होगा। घरेलू खर्च भी बढ़ सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने का प्रयास करें, वरना बाद में पैसों को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम अपने ऐसा क्यों कहा कि आज आपका दिल फटने वाला है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जिनका लव लाइफ अभी से शुरू हो चुका है, उन लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है। चाहे आपका जीवन साथी कितना भी नर्म क्यों ना हो, उनके साथ बात करते वक्त आपको संभल कर बात करना है। कोई ऐसी वैसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ ही गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जीवन साथी से प्रेम से जो कि पेश आए, वरना आपके बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। जो पहले से जो कि इस 6 महीने या फिर 1 साल से जो कि लव लाइफ में है, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो हाल ही फिलहाल में कुछ 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीने से जिनकी लव लाइफ शुरू हो चुकी है, उन्हें दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने वाणी पर संयम रखेगा और अपने प्रिय के साथ अच्छे से पेश आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। कोई महत्वपूर्ण बैठक या फिर मुलाकात आपके दिन को और भी सुनहरा बना सकती है।
अचानक मिले धन का प्रयोग आप अपने कार्य के विकास में करेंगे। याद रखें, जिसका ज्ञान पूर्ण है सफलता उसका साथ देती है। यह सफलता और चार्म का दौर है। प्यार और पैसे के मामलों को लेकर चिंतित रहने की भी संभावना बन रही है। आप व्यस्त रहेंगे और कानूनी मुद्दे आपका अधिकतर समय लेंगे। सोच समझकर बोलना आपके पक्ष में काम करेगा। साहस से आप वो हर काम कर सकते हैं जिसकी अभी कल्पना ही कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। पूरी मेहनत से अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आप पर आपके बॉस की नज़र है। अगर आप सेल से संबंध रखते हैं तो हो सकता है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाइयां हो। अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें और ये बात बताने की कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। कभी कभार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, या फिर सेल्स में आपका जो भी टारगेट है वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और टारगेट भी पूरा नहीं होगा तो आपको बॉस के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। यह समय जो कि परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नई योजना बनाने का है। पति पत्नी या फिर लिव इन पार्टनर के साथ नोकझोंक की संभावना बन रही है, लेकिन अपने स्टाइल और प्यारी बातें से आप सब कुछ जो कि ठीक कर सकते हैं। लेकिन यह स्टाइल, यह प्यारी बातें हर वक्त काम नहीं करेगी। इसके भरोसे पर आप अपने जीवन साथी के साथ कैसे भी पेश मत आएगा। कानूनी समझौते के लिए अभी वक्त उचित नहीं है। आप अपने लव रिलेशनशिप में असाधारण उत्तेजना और उत्सुकता का जो कि अनुभव करेंगे। अपने करिश्मे और कुल रवैये को प्रयोग करके जिसे चाहते हैं उससे प्यार का इजहार करेगा। निश्चित रहे, इसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप दोनों के बीच का अंतरंग अनुबंध आप दोनों के रिश्ते को जीवन भर का संबंध बना देगा। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे जिससे आपका मानसिक स्तर भी सुधरेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। दोस्तों, आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।